हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। अब हमारे बीच द्वितीय सोपान में ऋकारांत शब्द चल रहा है और ऋकारांत शब्द में हमने और आपने पूर्व सत्र में क्रोष्ठी शब्द के रूप पूरी तरह से जाने थे और क्रोष्ठी सूत्र शब्द में मूल सूत्र अपना धातु स्त्री शब्द स्यार जो मुख्य सूत्र है वही सूत्र लगता है। अब हमारे सामने ऋकारांत शब्दों में स्वश्री शब्द हमारे बीच में आ रहा है। स्वश्री माने बहन होता है और व्यवस्था अनुसार देखा जाए तो यह पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है। पुल्लिंग प्रकरण में स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सस्री माने बहन, ये स्त्रीलिंग शब्द है और इसका प्रयोग स्त्रीलिंग के प्रकरण में होना चाहिए, परंतु ऋकारांत शब्दों की चर्चा समापन की ओर है और समापन की ओर होते हुए यहां पर कुछ विशेष कार्य आपके बीच में करवाना चाहते हैं, इसलिए आचार्य भगवंत ने स्वश्री शब्द को स्त्रीलिंग होते हुए भी पुल्लिंग प्रकरण में रखा है। अब स्वश्री में रिरि है, रिरि के सामने सी विभक्ति आती है, तो जैसा कार्य होता आया है सी विभक्ति पर आ सौ सी लोपश्च, सी विभक्ति के होने पर रिरि के स्थान पर आ आदेश होता है और सी विभक्ति का लोप हो जाता है। जो कार्य पूर्व में होता आया है वही कार्य यहां पर होता है। असौ सीलोपश्च अर्थात स्वश्री शब्द में रहने वाली जो रिरी है उस रिरी के स्थान पर आ आदेश होता है और सी विभक्ति का लोप हो जाता है, तो बनेगा स्वसा। स्वसा माने बहन, स्वश्री माने बहन और स्वश्री के प्रथमा के एक वचन बनेगा स्वसा। स्वसा माने बहन। अब यहां पर औ विभक्ति लेकर आते हैं स्वश्री धन औ। स्वश्री धन औ विभक्ति के आने पर यहां पर स्वश्री में रिरि है और रिरि है त्री नहीं है, ये हमने आपको पूर्व में समझा दिया है कि जिन शब्दों के अंत में त्री होती है वहां पर धातु स्त्री शब्द सियार सूत्र से अघुट विभक्तियों के होने पर, घुट विभक्तियों के होने पर पंचादो घुट, घुट विभक्तियों के होने पर धातु स्त्री शब्द स्यार से आर आदेश होता है रिरि के स्थान पर, जहां जब त्री में रहने वाली रिरि हो। अगर त्री में नहीं है, ता में रहने वाली रिरि नहीं है, त्री शब्द संबंधी रिरि नहीं है तो घुटी च सूत्र लगता है जो उसको अर आदेश करता है। तो यहां पर भी स्वश्री में रहने वाली जो रिरि है उसके स्थान पर अर आदेश होना चाहिए था घुटी चा सूत्र से,
जैसे पित्री और मात्री शब्द में हमने घुटी च से अर आदेश किया था, तो यहां पर भी अर आदेश होना चाहिए ऐसा दर्शाया जा रहा है। परंतु आचार्य भगवंत कुछ और कहना चाहते हैं और जो पीडीएफ फाइल हमारे और आपके सामने खुली हुई है, उस पीडीएफ फाइल में 202 नंबर सूत्र के बाद 203 नंबर का सूत्र नहीं है, नीचे 204 नंबर का सूत्र है, ऊपर 202 नंबर का सूत्र है, यानी कि 203 नंबर का सूत्र इस पीडीएफ फाइल में नहीं है जो आपके बीच खुली हुई है। तो इसके लिए सूत्र आता है स्वस्त्रादी नाम च, अर्थात स्वस्त्री आदि शब्दों से घुट विभक्ति के होने पर इनके रिरि के स्थान पर आर आदेश होता है आर। तब अब यहां पर विचार करना है स्वस्त्री धन औ, सर्वप्रथम हमें यहां पर घुटी च सूत्र की प्राप्ति है और घुटी च सूत्र की प्राप्ति के बाद में 203 नंबर का सूत्र स्वस्त्रादी नाम च, अर्थात स्वस्त्री आदि शब्दों से घुट विभक्तियों के होने पर आर आदेश होता है आर। तो यहां पर रि के स्थान पर आर आदेश हो जाएगा और शब्द बन जाएगा स्वसारौ, स्वसारौ। फिर जस विभक्ति आएगी तो बनेगा स्वसाराहा, अम विभक्ति के आने पर स्वसारम, औ विभक्ति के आने पर स्वसारौ। अब संबोधन में हमें कुछ नहीं करना है, बाकी सारा का सारा कार्य पूर्ववत, चाहे पितृ शब्द के समान समान चला लीजिए या मातृ शब्द के समान चला लीजिए या कर्तृ शब्द के समान चला लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां पंचादो घुट वाली विभक्तियां हैं, उन घुट वाली विभक्तियों के होने पर सी विभक्तियों में भी कोई परिवर्तन नहीं, केवल औ जस अम औ इन चार विभक्तियों के होने पर सामान्यतया घुटी च सूत्र से अर आदेश होना था, परंतु स्वस्रादी नाम च सूत्र से रिरि स्वस्त्री आदि शब्दों से घुट विभक्ति के होने पर आर आदेश होता है, वो आर आदेश हो गया। अब यहां पर संबुद्धि में हम सी विभक्ति लेकर आएंगे सी, और संबुद्धि में सी आएगी तो सबसे पहले आ सौ सी लोपस्य सूत्र की प्राप्ति है, घुटी च सूत्र से अर की प्राप्ति है और स्वस्रादी नाम च सूत्र से आर की प्राप्ति है। परंतु पुराना सूत्र है आ ना चा सम आ ना संबुद्धौ, आ ना चा संबुद्धौ, अर्थात संबुद्धि के होने पर रि के स्थान पर ना आ आदेश होता है ना आर आदेश होता है। जब आ और आर आदेश का निषेध होता है तो फिर घुटी च सूत्र से केवल आर आदेश होता है और शरीरी के स्थान पर आर आदेश हो जाएगा, सामने सी संबुद्धि संबंधी है। फिर सूत्र लगता है व्यंजनाच्य, व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप हो जाता है और रेप सोर विसर्जनिया लगाएंगे तो जो अर आदेश किया है उसके रा का विसर्ग हो जाएगा तो बनेगा स्वसाहा, हे स्वसाहा, हे वहन। फिर द्विवचन में स्वसारौ स्वस्रादि नाम च, स्वस हे स्वसाराहा
जस्व भक्ति में है। अब सस्व भक्ति लेकर आएंगे। सस्व भक्ति के आने पर सूत लगता है अग्निवत छसी। रिकारांत शब्दों के सामने सस्व भक्ति आ जाए तो सस्व भक्ति के को अग्निवत कार्य होता है। अग्निवत कार्य होने का मतलब है अग्नि संज्ञा इदु दग्नि। अग्नि संज्ञा में जो कार्य किया जाता है वही कार्य सस्व भक्ति के होने पर करना है। यानी कि ससो कारा सश्च नो स्त्रियाम। अब यहां पर विशेष ध्यान रखना है कि स्वस्त्री शब्द स्त्रीलिंग है, वहिन का वाचक है और स्त्रीलिंग और वहिन का वाचक होने के कारण यहां पर ससो कारा सश्च इतना सूत्र तो लग जाएगा। यानी कि सस के आके स्थान पर पूर्व स्वर रूप रिरी आदेश हो जाएगा, परंतु सस का जो सा है उस सस के सा के स्थान पर स्त्रीलिंग होने के कारण ना आदेश नहीं होगा। और जब ना आदेश नहीं होगा तो हमारी स्थिति है स्वस्त्री स्वस धन रिरी धन रिस। अब यहाँ पे रिरी के सामने रिरी है। समानः सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम। सूत्र से पूर्ववर्ती रिरी को दीर्घ और सामने वाली रिरी का लोप होकर रस का रेप शोर विसर्जनीयः। सूत्र से जो अस का सा है उसके स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा स्वश्री ही। पुल्लिंग होता तो बनता पितृन कर्तृन, लेकिन स्वश्री शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए बनेगा स्वश्री ही। सा को ना आदेश नहीं होगा। ता विभक्ति लेकर आएंगे तो यहां पर रम्य वर्णः। सूत्र से रिरी के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा बनेगा स्वस्रा। भ्याम विभक्ति में स्वस्त्री भ्याम, भिस विभक्ति में स्वस्त्री भी, गे विभक्ति में रम्य वर्णः, स्वस्रे उसके बाद में स्वस्त्री भ्याम स्वस्त्री ब्याह रेप शोर विसर्जनीयः। फिर उसके बाद में गसी और गंस विभक्ति जब आती है तो गसी और गंस विभक्ति के आने पर पूर्व सूत्र जो गसी और गंस के आके स्थान पर और रिरी के स्थान पर यानी कि रिरी शब्द में रिरी लिंगांत रिरी और गसी गस का जो आ है इन दोनों के स्थान पर ऊ आदेश करता है ऊ। और ऊ आदेश हो जाएगा रिरी के और गसी गस के आके स्थान पर ऊ। व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और रेप शोर विसर्जनिया लगाएंगे तो बनेगा स्वसुहु। उसके बाद में ओस भ्याम विभक्ति आने पर स्वश्री भ्याम सुश्री भ्या। गस विभक्ति के आने पर ऊपर हमने गसी गस के काम किया था वो यहाँ हो जाएगा तो बनेगा स्वसु। फिर ओस विभक्ति के आने पर स्वस्रो रम्य वर्णः। सूत्र से रिरी के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा बनेगा स्वस्रो। फिर आम विभक्ति के आने पर ये ह्रस्व है इसलिए आमी चा नू। सूत्र से नू का आगम हो जाएगा दीर्घ मामी सनौ। सूत्र से दीर्घ आदेश हो जाएगा और रसरी वर्णे व्याणोण अमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी। सूत्र के माध्यम से ना के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा शब्द बन जाएगा स्वश्रीणाम। गी विभक्ति के आने पर
सूत लगता है अर गौ, रिरी के स्थान पर अर आदेश होता है, सूत लगता है अर गौ। अर गौ माने घी विभक्ति के होने पर रिरी के स्थान पर अर आदेश होता है, और रिरी के स्थान पर अर आदेश हो जाने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत लगाएंगे तो बनेगा स्व सरी। उसके बाद में ओस विभक्ति के आने पर राम वर्णः स्वस्रोः रेपसोर विसर्जनिया। सुप विभक्ति के आने पर योनुबंधो प्रयोगी सूत्र के माध्यम से पाका अनुबंध हो जाएगा, और नामी कर परा प्रत्यय विकार गमस्ता सीसम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा तो शब्द बनेगा स्वश्रीषु। इस प्रकार से यह स्वश्री माने वहन, यह शब्द स्त्रीलिंग है, इसको पुल्लिंग में रखा गया है। पुल्लिंग प्रकरण में रहने से यह शब्द पुल्लिंग का नहीं हो जाएगा, स्त्रीलिंग का ही कहलाएगा। इस प्रकार से स्वश्री शब्द हमारे द्वारा पूर्णता को प्राप्त हो गए। अब यहां पर ये श्लोक लिखा हुआ है, अब 203 नंबर के सूत्र और सूत्र के साथ जो टीका हमारी इस पीडीएफ फाइल में नहीं है, उस संबंधी चर्चा हम आपसे अगले सत्र में करेंगे। परंतु जो श्लोक हमारे बीच में आ रहा है वह श्लोक ये कह रहा है कि स्वश्री स्वस्रादि नाम से जो सूत्र है, उस स्वस्रादि नाम कहने से केवल स्वश्री अकेले का ग्रहण नहीं करना, इन 8 शब्दों को स्वश्री आदि में ग्रहण करना। अर्थात ये 8 शब्द जो आपके बीच में श्लोक के माध्यम से बताए जा रहे हैं, इन सभी शब्दों में स्वस्रादि नाम च सूत्र के माध्यम से आर आदेश करना है। बस इतनी विशेषता रखना है आपको सावधानी पूर्वक। तो वे स्वस्रादि शब्द कौन से हैं? तो स्वसा नप्ता च निष्ठा च त्वष्टा छत्ता तथैव च होता पोता प्रसास्ता चेत् यष्टौ स्वस्रादया स्मृतः। स्वसा नप्ता च निष्ठा च त्वष्टा छत्ता तथैव च होता पोता प्रशास्ता चेत् यष्टौ स्वस्रादया स्मृतः। ये 8 स्वश्री आदि शब्द हैं, इति अष्टौ स्वस्रादया स्मृतः। स्वस्रादि जो 8 शब्द कहे गए हैं, इनमें स्वस्रादि नाम च सूत्र ही लगाना है, कोई अन्य सूत्र नहीं। तो स्वश्री माने बहन, नप्त्री माने दोहता, अर्थात अपनी लड़की के लड़के को कहते हैं दोहता। फिर नेष्ट्री माने दान देने वाला। फिर त्वष्ट्री एक विशेष प्रकार का असुर यानी कि राक्षस। क्षत्री माने सारथी यानी कि द्वारपाल। होत्री अर्थात हवन करने वाला। पोत्री पवित्र करने वाला। और प्रशास्त्री शासन करने वाला। ये 8 शब्द जो है विश्वस्रादि शब्द कहलाते हैं। और स्वस्रादि शब्द होने पर अब ध्यान रखना, नप्त्री में त्री है, परंतु त्री होते हुए भी जो धातु संबंधी त्री नहीं है, नेष्ट्री में भी
त्री है, लेकिन ये धातु संबंधी के सामने त्री नहीं है, तो अष्ट्री में भी त्री है परंतु यहाँ पर धातु से नहीं हुई है। छत्री में भी त्री है परंतु यहाँ पर धातु संबंधी त्री नहीं है। होत्री, पोत्री, प्रशास्त्री, इनमें भी अलग से त्री नजर आ रही है, और अलग से त्री नजर आते हुए भी ये स्वस्त्रादि गण में पठित होने के कारण धातोस्त्री शब्द स्यार सूत्र से आर आदेश ना होकर स्वस्त्रादि नाम च सूत्र से आर आदेश होगा, इतना विशेष ध्यान रखना है। विशेष ध्यान और सावधानी यही रखना है कि इन शब्दों में जितने भी शब्द आए हुए हैं वे सभी स्वस्त्रादि शब्द होने के कारण स्वस्त्रादि नाम च सूत्र से रिरी के स्थान पर घुट विभक्ति के आने पर आर आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब इसी के टीका के अंतर्गत निरी शब्द आएगा। निरी, निरी माने मनुष्य, उसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। और ये स्वस्त्रादि नाम च सूत्र के नीचे जो कुछ भी और लिखा होगा उसको हम कल मूल व्याकरण के माध्यम से जो पुल्लिंग स्वरांत प्रकरण है दूसरी भाग की पुस्तक को आपके बीच में रखवाएंगे, उसके बाद टीका दर टीका आप अध्ययन करेंगे। तो शेष चर्चाएं अगले सत्र में। आज हमने स्वस्त्रादि शब्द के माध्यम से ऋकारांत शब्द को जानने की कोशिश की है, और स्वस्त्रादि ये आठ शब्द कहलाते हैं, इनमें स्वस्त्री आदि की तरह ही स्वस्त्रादि नाम चे जो 203 नंबर का सूत्र है उससे आर आदेश होता है घुट विभक्ति के होने पर, इतना विशेष जानना चाहिए। शेष चर्चा अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।